हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेटा सेइंग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि क्यों एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, अगर 11 12th का स्टूडेंट है तो उसकी एक लिंक्डइन प्रोफाइल क्यों होनी चाहिए। अभी हम बात करेंगे कि क्या आप कर सकते हो ताकि आपकी एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल बन पाए और आप उस प्रोफाइल को मतलब अपने नेटवर्किंग के लिए फर्दर यूज कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे आप फेसबुक वगैरह की प्रोफाइल बनाते हो तो इतना तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, तो इतने टेक्स्ट से भी आपको कि आपको ये सब चीजें पता है कि कैसे होती है। ठीक है, तो आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए। जो आपकी डिस्प्ले पिक्चर लगी हुई है वो आपकी फेसबुक वाली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी प्रोफेशनल डिस्प्ले पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, और स्माइल के साथ होनी चाहिए डिस्प्ले पिक्चर। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आप नोट कर सकते हो, मतलब एकदम ऐसे फंकी फोटोज नहीं लगानी आपको। ठीक है, सेकेंडली आपकी टैगलाइंस जो है, हेडलाइंस जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। आपका अबाउट सेक्शन जो है उसमें आपके वो कॉपी पेस्टेड नहीं होना चाहिए। जैसे एक रिज्यूमे है ना जो सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही आपकी जो अबाउट सेक्शन है उसमें आप लिखो अपने बारे में, आप अभी क्या कर रहे हो, आप क्या चीजों पे काम करते हो, आपको क्या चीजें करना पसंद है, एंड हाउ यू कैन हेल्प अदर पीपल। ठीक है, तो ये सारा आप उसमें अबाउट सेक्शन में लिखो। फिर आपके स्कूलिंग और एजुकेशन वाला जो सेक्शन है उसको कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप कहीं पे इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हो, करी है, तो आप उसको अपने वहां पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, अपने इंटरेस्ट वगैरह आप जो है वहां पे सारे प्रॉपरली डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को पहले तो करोगे कंप्लीट, बट एक प्रोफाइल तब तक वो कंप्लीट नहीं होगी जब तक आपके नेटवर्क में आपके जैसे लोग नहीं होंगे, मतलब लाइक माइंडेड पीपल। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू कनेक्ट विद दोस पीपल। ठीक है, कैसे ढूंढोगे आप ऐसे लोगों को? लेट से कि आप एक पोस्ट आपने लिंक्डइन पे देखा, ये पोस्ट ऐसा था जो आपको बहुत पसंद आया। ठीक है, अब जैसे आपको पसंद आया वैसे ही और लोगों को भी पसंद आया होगा, तो वो आप उन लोगों के साथ जाके कॉमेंट्स के अंदर एंगेज कर सकते हो, आप कॉमेंट्स पढ़ सकते हो। सकता है कि किसी के कॉमेंट्स जो है उससे आपको और इनसाइट मिले उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, एंड फर्दर आपको वो बंदे से आप फिर कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन सेंड अ नोट टू देम व्हाइल कनेक्टिंग ऑन लाइक हाउ यू डिस्कवर्ड दैट पर्सन एंड आप उससे क्यों कनेक्ट करना चाहते हो। तो ये चीजें आप कर सकते हो टू कनेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल। उसके बाद आप कह सकते हो कि आपकी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, ये आपका जो है सबसे बेसिक पार्ट है। अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल जो बनी है उसको अगर आपके आप अकाउंट को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, उससे ब्रांडिंग करना चाहते हो, जॉब लेना चाहते हो, नेटवर्किंग करना चाहते हो, तो ये आपका बेस स्टेप है। ठीक है, पहला स्टेप। उसके बाद सेकंड चीज क्या है, अब आपको क्या करना है, आपको जो अपना नेटवर्क बनाया आपने उनको वैल्यू एडिशन करना उनकी लाइफ में। ठीक है, लोग सिर्फ आप मतलब लेते रहोगे अगर सोसाइटी से तो लोग आपको उतना शायद ना पसंद करें। ठीक है, आपका जो माइंडसेट है वो आपको ग्रो ही नहीं होने देगा अगर आप सिर्फ लेने वाले माइंडसेट से हो। यू हैव टू थिंक कि आप क्या ऐसा करो कि जो लोगों की वैल्यू, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, उनके प्रोफेशनल करियर में वैल्यू ऐड करे। हो सकता है कि आपने लिंक्डइन प्रोफाइल बना ली है, ठीक है, अब आप कुछ कुछ चीजें रोज डिस्कवर कर रहे हो, कुछ कुछ चीजें आप रोज पढ़ रहे हो, आपने ये नहीं अज्यूम करना ये तो सबको पता होगा। ठीक है, अभी जो मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं अज्यूम करता कि ये सबको पता होगा तो शायद मैं आज ये वीडियो ना बना रहा होता, बट मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे, अगर आप वीडियो देख रहे हो आपको नहीं पता तो इसका मतलब है सबको नहीं पता। ठीक है, कोई एक बंदा भी है जिसको वो चीज नहीं पता और मेरी वीडियो से उसको वो चीज पता लगी हो, उसको समझ आया हो, उसकी हेल्प करी हो अगर मैंने, तो वो इनफ है। मेरे को नहीं चाहिए कि मैं पूरी वर्ल्ड को एक अच्छा प्लेस बनाऊं, अगर मैं एक दो बंदों की लाइफ पे भी इम्पैक्ट डाल सकता हूं कुछ, तो मेरे लिए वो मोर देन इनफ है। ठीक है, तो आपको ये चीज देखने के आप किस तरीके से वैल्यू ऐड कर सकते हो, वो भी आपको मैं टिप्स बताता हूं। आप अपनी लर्निंग्स, डेली बेसिस की लर्निंग शेयर कर सकते हो। आपने कुछ बेसिकली पढ़ा, कोई कोर्स किया, आपने किसी कॉलेज के बारे में आप गए वहां पे किसी फैकल्टी, तो आप इन चीजों के रिव्यूज डाल सकते हो। ठीक है, कि आपको क्या लगता है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, लोग अगर किसी ने कुछ अच्छा पोस्ट शेयर किया, कुछ उसमें लर्निंग वाली चीज है, आप उसको रीपोस्ट कर सकते हो, रीशेयर कर सकते हो, उस पोस्ट पे अपने कमेंट्स डाल सकते हो कि आप क्या समझते हो, मतलब आपके लिए वो कैसे यूजफुल था वो पोस्ट। इससे क्या होगा कि एंगेजमेंट आपकी बढ़ेगी आपकी प्रोफाइल की, और ग्रेजुअली आप बेसिकली अपना जो नेटवर्क है उसे स्ट्रॉन्ग करते जाओगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपने डेली करने हैं, तो आपकी जो प्रोफाइल एंगेजमेंट जो है वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब क्या है, इससे आपको एक और
मोटिवेशनल फैक्टर क्या मिलेगा, बूस्ट क्या मिलेगा, कि अब आप अगर सोचोगे कि मेरे को कुछ वैल्यू एडिशन करनी है तो उससे उसके लिए आपको भी कुछ चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि आप वो आपके अंदर क्यूरियोसिटी आए कि आप और चीजें पढ़ो और चीजें आप ऑब्जर्व करो, ठीक है, और फिर आप वो लोगों तक पहुंचाओ, ठीक है, अपनी वॉइस को आप बाहर तक लेके आओ। तो इन चीजों को फॉलो करके आप एक स्ट्रांग अपना लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको उन्होंने प्रोफाइल बनाने की भी बात करी और उसको मेंटेन करने की भी बात करी कि मेंटेन कैसे कर सकते हो आप प्रोफाइल, ठीक है। तो अगर वीडियो यहां तक देखिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपके पास लिंक आ रहा होगा आई के अंदर भी, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, यू कैन वॉच दैट प्रीवियस वीडियो, ठीक है, जिससे आपको पता लगेगा कि लिंक्डइन की प्रोफाइल होना क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप स्टूडेंट्स को जानते हो अपने आसपास के तो उनके साथ भी जरूर ये वीडियो को शेयर करो, उनके लिए भी बहुत यूजफुल हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, बाय।